मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। जनपद हमीरपुर में लगातार हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, हमीरपुर में फिर हुई एक 30 वर्षीय युवक की हत्या। पुलिस है सख्त, फिर भी अपराधियों को नहीं है पुलिस का कोई डर। ताजा मामला हमीरपुर का है, जहाँ एक 30 वर्षीय युवक की नग्न अवस्था में ग्राम में शव मिला। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के विवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम महेरा का है, जहां पर 30 वर्षीय युवक रात में अपने घर पर सो रहा था, लेकिन सुबह उसका नग्न अवस्था में शव ग्राम में ही मिला, जिसको देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि उसके पुत्र की नग्न अवस्था में लाश रास्ते में पड़ी है, जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं, गला भी दबाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में जुट गई। मौके पर पुलिस के साथ डॉग स्क्वायर टीम और फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। उसके भाई ने बताया कि उसका भाई रात 11 बजे तक घर पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह जब वहां कैसे पहुंच गया इसका कोई पता नहीं। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। मैं रामकृष्ण निषाद, ग्राम प्रधान महिरा, और का मर्डर हो गया रात में पानी बरसने के समय। जानकारी सुबह 5 बजे मिली, हम लोगों को 7 बजे बताया गया। हम लोग घटना स्थल पर आए, फोर्स भी आया, लिखा पढ़ी हो रही है, मिट्टी शव को ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। अभी जानकारी कुछ नहीं मिली, घर वाले लोग कुछ ना कुछ बताएंगे जैसा भी होगा। सर मेरा राजकुमार नाम है, ग्राम महेरा, जिला हमीरपुर, बीमार थाना। सर मेरा भाई 11:30 बजे जब मैं आया हूँ उस टाइम मालो लैटरिंग के लिए, तो मेरा भाई उस टाइम सो रहा था, सेफ था। मैंने लाइट लगा के भी देखा, मैंने भाई सो रहा है, पिताजी भी है बगल में मालो दूसरे क्वार्टर में सो रहे थे। तो उसके बाद हम लोग सवेरे जगे हैं तो हम लोगों ने, पिताजी ने देखा, हमारे बोले कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और हमारे पिताजी गए तो देखा तो ये तो मेरा लड़का है। तो सर ये तो किसी ने हत्या की हुई है, नहीं तो कमरे पर होता मान लो कपड़े कोई नहीं उतारता अपने। हाँ जी सर, चोट के निशान है सर, सिर पे भी चोट है, गला भी सूजा हुआ है पूरा, लग रहा है जैसे मुंह दबा के मान लो हत्या की हो। सर एक आध बंदा तो उसका कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो बंदे 2-4 होंगे। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे।